हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। अगले दर्शक को जोड़ेंगे अमर सूद चौरसी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको। गुड मॉर्निंग सर जी। 1085 से ठीक है, 50 रुपए के भाव पर, ठीक है। और यूनियन बैंक? यूनियन बैंक है 45.80 पैसे में। ठीक है, यूनियन बैंक में तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है अमर, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक में थोड़ा सा आपको नुकसान हो रहा है। चलिए दोनों ही शेयरों पर व्यू लेते हैं। विवेक, आपसे, IDFC फर्स्ट बैंक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश होती है, क्या करना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक में? कोई हमने खबरें तो आती है, लेकिन कोई हमने बड़ा मूव किसी भी साइड ज्यादा नहीं देखा IDFC फर्स्ट बैंक में। आज तो वैसे प्रेशर में है और पूरे बैंकिंग स्पेस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रही है, आप क्या सलाह होगी आपकी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर? अभिषेक, वो कहावत है ना पुरानी कि शेर आया, लेकिन वो शेर आता नहीं है, यही हो रहा है IDFC बैंक में। तो पिछले दुनिया बहुत सारी स्टोरीज, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सब कुछ सुना है। और IDFC बैंक का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेन्नई में है, तो हम लोग तो अटेंड भी करते हैं उसको, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको क्या करना चाहिए, IDFC फर्स्ट बैंक मतलब ऑलमोस्ट 46 रुपीज पे दोनों के दोनों, IDFC और यूनियन बैंक। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप स्वैप कर लो। और अगर आप यूनियन बैंक का अगर रिजल्ट देखो तो मतलब करीबन 110% उसका मुनाफा हुआ है और ग्रॉस NPA लोएस्ट टाइम पे है। तो जो सरकारी बैंक्स और PSU बैंक्स में आज चल रहा है क्लीनिंग के बाद, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है आगे चल के। तो IDFC आपको रिटर्न दे नहीं रहे, यूनियन आपको पक्का रिटर्न दे देगा, और दोनों एक ही भाव में है, खाली आपका मतलब आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। यूनियन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, भाव में सिर्फ 15 पैसे का फर्क है, चेंज करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और यूनियन बैंक के नतीजे बेहद दमदार आए थे, मुनाफे में तकरीबन 50% के आसपास की ग्रोथ है, और प्रोविजनिंग में एक बहुत ही शार्प फॉल हमने देखा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर होता है किसी